الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو, يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين सूरतलब की आयत नंबर इक्कीस बहुत मारूफ़ है नबी अक्रम सल्ह वसलम के उस हसना के बयान के हवाले से इशाद हुआ है कि लक़द कान लकुफ़ी रसूल ऊसवत हसना यकी तुम्हारे लिए रसोल्ला सलाह आल वसलम की ज़िंदगी में बेहतरीन उसवा बेहतरीन नमूना मौजूद है लिमन कान रजुल्ल्यूमल आखरा मगर उसके लिए कि जो अल्लाह और आखरत के दिन की उम्मीद रखता है अल्लाह पर ईमान है आखरत का यकीन है व जक़र अल्लाह का सीरा और वकसरत से अल्लाह सुबहान ज़िक्र करता हो आम तौर पर अव्वल में इस आयत करीमा की तिलावत का अहमाम होता है और कुछ कुछ इसके ताल्लुक से कलाम भी होता है अलबत् उसव हसन का मामला ज़िंदगी के तमाम गोशो तमाम अमूर के लिए है अल्लाह ताल की मंशा क्या है अल्लाह ताल की रजा किस में है वो अल्लाह के रसूल से मालूम होगा सल्ला और अल्लाह ताला ने यहाँ तक फ़रमाया है निसा की आयत नंबर अस्सी में कि मई तो रसूल फ़कत अता अल्लाह जिसने रसूल था। अल्ला की उसी ने अल्लाह अल्ला की इताद की फिर अल्लाह ने अपनी महबत के दावे के लिए इतबाही रसूल का सबूत मांगा है सुराल इमरान की आयत नंबर इकतीस है इर्षा हुआ कि कुल तुम तो हिब्बू अल्लाह फत युबिल ए नबी आई सलाम इनसे फ़रमा दीजिए लोगों अगर अल्लाह तुम अल्लाह से महब्बत करना चाहते हो तो मेरी यानी रसूल सलाम की इतबा करो पैरवी करो फोटो स्टेप्स को फॉलो करो तो अल्लाह तुमसे महब्बत फ़रमाएगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा तो अल्लाह के रसूल का उसवामत तक के लिए महफूज जाम तरीन है हमगीर तरीन है मोस्ट कॉम्प्रिहसिव है मोस्ट प्रज़र्व्ड है और क़्यामत तक के लिए उसमें रहनुमाई है अल्लाह की इताद के लिए भी अल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम की इताद का तकादा है और अल्लाह की महब्बत के दावे के लिए अल्लाह के रसूल की इतबा यानी पैरवी का सबूत हमसे मांगा गया है बहरहाल ये चंद बातें तो याद दहानी की थी आज के निशिस में उनवानात के तहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कुछ वाकयात या कुछ आमाल का तस्करा करना मकसूद है ताकि हमारे अंदर भी आमल का जज्बा पैदा हो और महब्बत जो हजूर आलाम से है वो भी तकादा करती है कि आपकी इतबा हो जाम तिरमिज़ी की रिवायत है आपने फ़रमाया कि मन अहबनति फ़कत अहब बनी जिससे मेरी सुन्नत से महब्त की यकीन उसने मुझसे महब्बत की वो मन अहबनी काना माई अफिल जन्ना और जिसने मुझसे महब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा अल्लाह ताली रसूल आसाम से महबत भी हमें अता फ़रमाए और आपकी एतात और इतबा की भी तोफ़ी अता फरमाए और हजूर का साथ अल्लाह हम सब को जन्नतफरदौस में अता फरमाए चंदवाना के तहत कुछ बातें हैं कुछ अरसे पहले एक मौजू या एक नवान के तहत ये गुफ्तु मैंने की थी उसमे रसूल सल्हु वसम से सौ झल ये खिताब भारत सोशल मीडिया वगैरह पर भी दस्याब होगा उसी में से कुछ बातें हैं जो उस वक्त मुरतब की गई थी जो इस वक्त खिताब जुम्मा में मुख्तरा आपके सामने रखना मकसूद है चंद उनवानात के तहत जो बातें उनमें से पहली बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला से ताल्लुक मेरी और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हासिल अगर ये निकले कि कल अल्लाह राज़ी हो जाए तो ज़िंदगी कामयाब है मेहनत कामयाब है और सारा कुछ कर लिया बहुत कुछ कर लिया दुनिया जहाँ एक कर दी और अल्लाह राजी ना हुआ तो फ़ायदा क्या है ज़िंदगी का ये ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी बेकार हो जाएगी ज़ाया हो जाएगी तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल का उस वक्त सामने रखा तो आइए अल्लाह के रसूल सलाम का अल्लाह के साथ ताल्लु बहुत बड़ा मौजू है बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं चंद बातें इनमें से अल्लाह के रसूलम रात का क्याम फ़रमाती जिससे क़्यामल और हम तहजद भी कहते हैं और कर्न करीम की गवाही है कि एक तिहाई रात आधी रात दो तिहाई रात अल्लाह के रसूल का क़्याम होता क़ाई शरीफ की अदीस रमादान में बयान होती है कि रमदान के आखिरी अशरे में पूरी पूरी रात अल्लाह के रसूल कयाम फरमाते इतना जब तवील अहतमाम होता कयाम का रात की नमाज़ में तो अल्लाह के रसूल सलाम के पैरों में वरम आ जाता वो सूझ जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्ला वसलम के सहाब से पूछते कि यार रसूल अल्लाह सलाम आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं आप तो मासूम बख्शे बख्शाए हैं इस कदर मेहनत इस कदर तवील आपका क़याम के आपके पैर सूझ जाते हैं और वरम उसमें आ जाता है तो आप फरमाते अफला अकून आब्दन शकूर क्या मैं अल्लाह ताला का गुज़ार बंदा न बनूं वो मासूम होकर इतना कयाम तवील फरमाते थे हम क्या है हमें पता है और हम अपना जायजा ने अल्लाह के रसूल आसमाम के उसवा की रोशनी में कि हमारा ताल्लुक कैसा है चलिए तहाजुद तो नफल का मामला है ना एक राय के मुताबिक हुजूर के लिए लाजिम थी उम्मत के लिए नफल का दर्जा है लेकिन पांच वक्त की नमाज़ तो फ़र्द है ना तो अल्लाह के रसूल सलाम तो तहजद का अहमाम हो रहा है तो फ़र्ज़ नमाज तो बहर अव्वल वक्त में हम गोया जायज़ा लें कि आज हमारी फ़र्ज़ नमाजों की कैफियात कैसी हैं माह रबी अव्वल का महीना भी होगा बारह रबी अव्वल की छुट्टी भी होगी बहुत सारी तकारीब भी होंगी प्रोग्राम्स भी होंगे और उसमें बहुत कुछ खिलाफ शरीयत भी हो रहा है और अच्छी बात है कि अब तमाम के उलमा की, की तरफ से ये बातें आ रही हैं अल्लाह के रसूल का नाम ले रहे हो और ऐशा की नमाज आया फजर की नमाज आया अल्लाह के रसूल का नाम लेते हो चोरी की बिजली इस्तेमाल हो रही अल्लाह के रसूल का नाम ले रहे हो बेपर्दगी का मामला चल रहा है अल्लाह के रसूल का नाम लेते तो मर्द औरत का आज़ाद इख्तलात है अल्लाह के रसूल सलाम का नाम लेते हो और बाहर खान काबर मस्जिद नबी के मॉडल बना रखे हैं लोग वहां पर डांस कर रहे हैं व अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ये मार्केटिंग वालों का भी तो दिमाग खराब है ना दीन को भी नहीं छोड़ते अपनी मार्क, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए इस एवेन्यू को तलाश कर लिया अपना प्रोडक्ट भी रखा हुआ है लोग आ रहे हैं गा रहे नाच रहे कूद रहे हैं और सीरत का जलसा हो रहा है लिल्लाहि व राजिऊन अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए हमारा हाल तो है कि नमाजें ज़ाया होती कुछ दिनों पहले भी हमने बात की और अल्लाह के रसूल का मामला क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते बिलाल अज़ान का हो और हमारी आंखों को ठंडक दो और आप फरमाते कि के केरतनी मेरी आँखों की ठंडक जो है मेरी आँखों की ठंडक जो है वो अल्लाह ताला ने नमाज में रख दी है और अल्लाह के रसूल बहुत कम मिलता है कि दुआ ज़र्र किसी के लिए करते हों ये बड़े अच्छे महतात अल्फाज हैं दुआ ज़रर का मतलब है किसी के लिए नुकसान की दुआ करना जिसे हम बद दुआ कहते हैं ताइफ़ का मामला हमारे सामने है वहाँ हुजूर ने दुआ दौा, ज़रर नहीं की है और बहुत से मवाक़े बीते हैं मगर दुआ ज़रर यानी नुकसान की दुआ यानी जिसे हम बदा कहते हैंज़ू ने नहीं की है मगर जब गज़ आज़ाब का मौका था बैटल ऑफ प्रिंश जिसे कहा जाता है और खंदकें खोदी गई थी और खुद अल्लाह के रसूल ने कोदाल चलाया चटानों को तोड़ा है पाश पाश किया है इस सारी मेहनत के दौरान क्योंकि मदीना शरीफ का डिफेंस उसका दिफा जरूरी था अल्लाह के नबी सलाम की चंद नमाजें कजा हुई हैं बाद में आपने अदा की हैं सहाबे कराम के साथ लेकिन जब ये नमाज कदा हुई बिलखसूस एक नमाज नमाज आसर जिसको हदीस में सलात भी कहा गया तो अल्लाह के नबी आसलम ने ये दुआ की है बद दुआ जिसे कहिए अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे इनकी कब्रों को आग से भर दे इन्होंने हमारी नमाज या नमाज वस्ता को ज़ाया करा दी दीगर कैसे सख्त मराइल हजूर पर गुजरे इस कदर सख्त अल्फाज जबान पर नहीं आए बद के लेकिन अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे इनकी कब्रों को आग से भर दे कि इन्होंने हमारी नमाज को कदा करवा दिया अल्लाह के पैगम्बर को नमाज इतनी महबूब है फर्ज नहीं नवाफिल में और आज उम्मत अपना जायज़ा ले कि हम नाम लेवाएं नबी अक्रम सला वसम के और उनकी आँखों की ठंडक भी नमाज है और हमारा हाल ही हो कि हम नमाज़ें ज़ाया करें तो अपने उम्मती होने के बारे में अपना जायज़ा हमें लेना चाहिए अल्लाह के साथ ताल्लु बहुत सारी बातें हो सकती हैं गारे सौर का मशहूर वाक़ है सिद्दीकी अकबर रधी अल्लाह तारा के साथ सल अल्लाह को फार ताक़ब करते करते, करते करीब पहुँचे हैं हजरत बकर सद्दीक को जो परेशानी हुई है वो रसूल आसमाम के बारे में यार रसूलुल्लाह ये झांक कर भी देख लें ये झांक कर भी देख लें तो हमें लेंगे अल्लाह के रसूल आल ने बड़े इतमान से फरमाया कि अबू बकर तुम्हारा उन दो के बारे में क्या ख्याल है कि जिनमें तीसरा अल्लाह सुबहान तौजूद है ला तजन इन अल्लाह कुरान के अल्फाजिए कि गमना करो बेशक अल्लाह सुबहान तै हमारे साथ है मुश्किल और बदलते हालात में कभी हम भी तन्हाई में सोचने की अल्लाह हमारे साथ है जी सूर्य ज़ुबर में आता है अली सब बिकाफिन आबदा हो असलन तो ये हुजूर के बारे में सल्लाम अल्लाह बिकाफी बेबिकाफिन बिकाफिन अब्दहू क्या अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं ये तो इमाम अम्बिया के लिए अलैहि वसल्लम एक बंदे मोमिन भी सोचे मुश्किल हालात चाहे घर में आ जाए इजतमाही तौर पर आ जाए कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी नहीं है अल्लाह की ज़ात पर यकीन अल्लाह पर तवक्ल का मामला ये गारिस सौर के वाक़ से अल्लाह के रसूल हमें सिखा रहे हैं इसी तरह अल्लाह के साथ मुस्तकिल तल्लक़ के हवाले से अल्लाह के रसूल ने मुस्तकिल दुआएँ हमें तालीम की हैं मुख्तलिफ अवत की सुबह बेदार होने से लेके रात को सोने तक की बहुत सारी दुआएँ हैं अच्छा हमारा ख्याल ये कि ये बच्चों की याद करने की हमारे बच्चे मदरसा जाते हैं भाई बच्चों ने बीस दुआएं याद कर ली हमारा बच्चा स्कूल जाता है टैग लगा हुआ इस्लामिक स्कूल और बच्चे ने बीस दुआएं याद कर ली हैं इन्ना लाही वही ला इस बात पर पढ़ रहा पढ़ो कि हमने बच्चों को एलोकेट कर दी है ये दुआएं रसूलुल्लाह के मामूलात में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के पैगंबर ने हमें सिखाई हैं सुबह बेदार होने से लेके रात को सोने तक दरमियान में बहुत सारे मामूलत हैं ये मुस्तकिल दुआएं अल्लाह के नबी ने जो सिखाई ये अल्लाह से ताल्लुक़ का मुस्तकिल जरिया है और एक हैजूर ने जो अधिकार हमें सिखाए हैं <स्थाथ> नमाज़ों के बाद के असकार हैं सुबह शाम के अदकार है? हैं मुस्तकिल अदकार हैं सुबहानल्लहीदिल्ला अकबर सुबहानल्लामदही सुबहानल्लाव लाला क़ुत ला ला ब्ला बहुत सारे कलिमात हैं याद करना चाहिए ये कलिमात ये अजकार और ये मसनु दुआं ये मुस्तकिल नबी आसमाम ने हमें तरीक़ा बता दिया अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ का इसी तरीक़े पर अल्लाह के पैगम्बर का अल्लाह से महब्बत का मामला और अल्लाह की तरफ जब आप विसाल फरमा कर जा रहे हैं तो उस वक्त की कैफियत का मामला हजूर ने फरमाया कि पहले एक हदीस सुने फिर अगला बयान आएगा हजूर ने फरमाया कि जिस किसी ने मुझ पर एहसान किया है मैंने उसके एहसान का बदला चुकाया सिवाय अबू बकर के रजी अल्लाह जिस किसी ने एहसान किया मैंने उसके एहसान का बदला चुकाया सिवाय अबू बकर के अल्लाह ही आता फरमाएगा लेकिन फिर हुजूर फरमा दे दूसरी हदीस में अगर मैं किसी को खलील अपना तन्हाई का दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता लेकिन नहीं बनाया अगर बनाता तो किसको बनाता अबू बकर को बनाता तो किसको बनाया अल्लाह सुबहान तला को और आखिरी आखिरी कलीमात जब दुनिया से तशीफ ले जा रहे हैं, रिसालत महाबली सलाम तो क्या कैफियत थी बीबी तो ज़हरा ने आपकी कुछ कैफियत महसूस की तो वो रोई हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेटा आज के बाद तेरे अब्बा जान को कोई तकलीफ नहीं कि मैं अपनी तरफ से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ और फिर हुजूर के बिल्कुल आखिरी के जो जुबान मुबारक से जारी हुए फिर आपका विसाल हुआ है अल्लाह रफीक़िल रफी अल्लाह तेरी तरफ कि तू तो ही सबसे बड़ा दोस्त है हम भी सोचें कि क्या अल्लाह तमारी तरजीहत में तरजीह नंबर एक है अल्लाह तमारी प्रायरिटीज में प्रायरिटी नंबर वन है हमारी मोहब्बत का मामला मेहनतों का मामला सबसे बढ़कर अल्लाह के लिए है सूर्या नाम के आयत की आयत नंबर एक सौ बासठ कुरबानी की दुआ के मौके पर भी हम पढ़ते हैं इन्ना सलाती व नुस्की व महिया व ममातीबीन बेशक मेरी नमाज और मेरी कुरबानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह सुबहान तला के लिए जो तमाम जहान वालों का रब है अल्लाह हमें गौर करने और हजूर आलम की पैरवी करते हुए अल्लाह तला से ताल्लुक़ की मजबूती की तोहफी अता फरमाए ये अपनी जगह बड़े मौजूद हैं मैं तो चंद झलकियाँ आपके सामने याद दहानी के तौर पर मेरी और आपकी याद दिहानी के लिए रखना चाह रहा हूँ दूसरा वो है फिक्र आखरत का मामला अम्बिया और अल्लाह को मानने आखरत को मानने की दावत दी और खुद उसकी फिक्र करके दिखाई और इमाम सल अल्लाह वसलम की फिक्र सबसे बड़कर थी आखरत के बारे में चुनाचे अल्लाह के रसूल मुकर्रम सलाम का बड़ा खूबसूरत जुमला हमें मिलता है सादा से अल्फाज वाक़ क्या है आपकी हजर मुबारक में बकरी जिबा हुई होगी आप तो शीफ ले गए वापस से शीफ लाए तो भी हजरत आयशा से दीकर रजी अल्लाह तुछा आयशा क्या बच गया तो अर्ज़ की कि बस वो शाना यानी कंधा ये गोश्त अल्लाह के रसूल को पसंद था ये कंधा ये शाना इसका कुछ हिस्सा बच गया है बाकी दे दिया है तो अल्लाह के रसूल ने तरबियत भी फरमाई और उसूल बताया कि जो दे दिया वो बच गया और जो बच गया वो खर्च हो गया जो बच गया वो तो हम खाएंगे ना और जो हमने खाना है तशरी है उसका तो सवाल होगा ये तशरी के अल्फाज है लाजिमन तुमसे नियमतों के बारे में सवाल किया जाएगा जो दो, जो दे दिया वो तो बड़ा खूबसूरत टाइटल किसी ने लगाया लगाएगा साले में दी बैंक ऑफ अल्लाह अनलिमिटेड में वो डिपॉजिट हो गया बैंक ऑफ अल्लाह अनलिमिटेड में दुनिया के सारे बैंक्स लिमिटेड हैं थोड़ा बहुत ऑफर देते हैं एक तो सूद है वो तो हराम है लेकिन थोड़ा बहुत परसेंटेज ऑफर करते हैं एज अ प्रॉफिट उनके बकौल है तो सूद अक्सर लेकिन अल्लाह जो रेट ऑफर करता है वो बकरा आयत नंबर 261 में 700 700 गुना टाइम्स जिसको चाहेगा इससे बढ़कर आता फरमाएगा अनलिमिटेड इससे कहा बैंक ऑफ अल्लाह अनलिमिटेड में डिपॉजिट हो गया तो आपने फरमाया एक एक वाकई में इस तरह घर वालों की तरबियत भी हो रही है तवज्जो दिलाई जा रही कि जो दे दिया वो बच गया आखरत में अजर के तौर पर और जो बच गया वो तो हम इस्तेमाल करेंगे वो तो भारत अल्लाह की नमत है लेकिन उसका सवाल भी होगा कल क्यामत के दिन जी अगला वाक्य है कि अल्लाह के रसूल मुखरम अपने हजरे में एक रिवायत के मुताबिक टाट पर या बोरी पर आराम फरमा रहे थे और आपके जिसम पर तैबन था और उस टाट ये बोरी के निशानात आपके जिसमे अथहर पर तो हजरत रजी अल्लाह तआला हुजरे में दाखिल और जब ये कैफियत देगी उनकी आंखों में आंसू अल्लाह के रसूल ये कैसर और किसरा ये रूम और ईरान के बादशाह ये मुशर ये काफिर ये अल्लाह के बागी सरकश ये महलात में और मखमली बिस्तरों पर रहते हैं सोते हैं ऐयाशियां करते हैं और आप अल्लाह के रसूल और आपकी ये कैफियत ये आपका लिविंग स्टैंडर्ड है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फिर तरबियत फरमाई उम्र तुम इस पर राजी नहीं कि इन लोगों को दुनिया मिल जाए तुम इस पर राजी नहीं हो कि इनको दुनिया मिल जाए और हमें आखरत मिल जाए। यहाँ का बड़े से बड़ा महल कीमती से कीमती तरीन बिस्तर अयाशियों के राहतों के जितने सामान है सब आर्जी फाइनाइट है खत्म हो जाने वाले हैं लिमिटेड है और आखरतार यावान हमेशा रहने की जिंदगी बल तो फिरत दुनिया वाला आखरत वा तुम दुनिया की जिंदगी को प्रेफरेंस देते हो तरजीह देते हो हालांकि बेहतर और हमेशा रहने वाली अल्लाह यकीन फरमा देतेमर रजी अल्ला तुम इस पर खुश नहीं कि इनको दुनिया मिल जाए और हमें आखरत मिल जाए एक वाक हिला देने वाला ये मेबर है ना ये जिस पर इमाम साहब खतीफ साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं ये मिम्बर रसूल की जिम्मेदारी हमारे पास तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल हयात तय्यबा के आखिरी दिनों में खड़े हुए और आपने खुदबा भी आता फरमाया और आपने उसके साथ ये पब्लिक प्लेस है हजूर फरमा रहे अगर मैंने किसी के साथ कोई जियाती की हो किसी की कोई हक तलफी की हो आया आज मुझसे बदला ले ले इमामबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मुहासबे के लिए पेश कर रहे हैं अल्लाह अकबर यह अजमत भी है हुजूर की और उम्मत के लिए तालीम अगर मैंने किसी का हक मारा अगर मैंने किसी की हक तलफी की अगर मैंने किसी के साथ जियाती की हो आए मुझसे बदला ले ले फिर अगला वाक्य आपको पता होगा एक सहाबी खड़ोग हुजूर मेरे साथ मामला हुआ आपकी छड़ी मेरी कमर पर लगी थी आओ तुम बदला ले लो या रसूल ना 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 मेरी तो कमर पर उसमें कमीज नहीं थी उसने कमीज हटाई है अपनी और उस साहबी ने मोहरे नबूवत को चूम लिया यार रसूल्ला मैंने क्या कोई बदले की बात करनी मैं तो मोहरे नबूवत को चूमना चाहता था अब ये इन सहाबा की अपनी महब्बतों का इजहार है वो अपनी जगह पर रजी अल्लाह तालजमैन मगर आप गौर करें बड़ी भारी बात अर्ज कर रहा हूँ हम में से कितने लोग हैं मुसमेत जो अपने आप को अपने घर वालों के सामने भी पेश करें पब्लिक तो बात की बात है बीवी के सामने माँ बाप के सामने औलाद के सामने और एतराफ करेंगे गलती की होगी मैंने चलो मुझे माफ ही कर दो इतनी बात है हिम्मत अच्छा अगर आज ये नहीं तो कल अल्लाह को कैसे फेस करेंगे हम अगर आज हम ये नहीं कर सकते तो अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे भाई तो बेहतर है कि आज सेट कर ले मामला को आज सेटल कर ले मामला को अल्लाह ताला कल की हौलनाकी से बचाए और आज हमें मामला को सेटल करने की तोफीक और चाहिए कि से हर कोई ये देखे उसने कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है सैदर रजी अल्लाह तन का कॉल है मिन कबल अपना मुहासबा खुद कर लो अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद कर लो इससे पहले कि कल तुम्हारा मुहासबा किया जाए फिर वो दुआ भी याद रहे किसब हिसाब यसी अल्लाह हम सब के हिसाब को आसान फरमा दे तीसरा हुसन माशरत माशरत में बहुत कुछ आता है आगाज़ घर से होता है तो इसी की चंद बातें वरना फिर पड़ोस भी आता है सीधे रहमी भी आती है रिश्तेदार भी आते हैं दोस्त अहबाब भी आते हैं वगैरह वगैरह लेकिन हसन माशरत में से घर वाले पहलू की चंद बातें हम अहदीस का मताल करते हैं सीरत का मताल करते हैं तो गवाहियाँ घर से आती हैं हजरत हदीजर रदी अल्लाह ताल की गवाही आती है पहली वही के मौके पर जब हुजूर हजूर सलाम पर यह पहला पहला तजरबा हुआ और पहली पहली वही का नजूल हुआ तो आप अम्मा खदीजा के पास आए रजी अल्लाह इसमें बड़ी हमतें हैं और आपने फरमाया कि ज़म मिलोनी ज़म मिलोनी दरूनी दि दिरनी मुझे कम्बल उड़ा दो या कुछ उड़ा दो मुझे कुछ उड़ा दो मुझे कुछ उड़ा दो और फिर हजूर को कुछ कैफियत अतारी हुई तो आपने कुछ इजहार फरमाया तो अम्मा खदीजा ने आपको तसली दी अल्लाह हरगिज़ा आपको ज़ाय नहीं फ़रमाएगा आप तो सिला रहमी करते हैं कमजोरों का बोझ उठाते हैं यतीमों के साथ भला शुरू करते हैं रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं जो आपको महरूम करता है आप उसको अता करते हैं जो आपके साथ बुरा करता है आप उसके साथ अच्छा करते हैं आप नादारों के काम आते हैं हर अल्लाह ताला आपको जाय नहीं फरमाएगा ये घर से गवाही अम्मा खदीजा की रदी अल्लाह तला और पंद्रह बरस निका को हो गए हजूर पच्चीस बरस के थे अम्मा खदीजा से निका हुआ था और ये 40 बरस की उम्र में पहली पहली वही का नजूल है ये घर से गवाही आ रही बीबी खदीजा की एक गवाही अम्मा आयशा की रजी अल्लाह तहा पूछा गया, गया कि रसूलुल्लाह के अखलाक क्या हैं फरमाया क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो काना खुल कुरान अल्लाह के पैगम्बर के आखलाक तो कुरान है सल अल्लाह कुरान एक तुम तिलावत करते हो एक चलता फिरता मुजस्म कुरान देखना चाहो वो साहेब कुरान की जिंदगी है सल्ला वसल्लम ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ मिलेंगी सहाबा की सहाबियात की ये अम्मा खदीजा की रिवायत रजी अल्लाह तहा और ये अम्मा आयशा की गवाही रजियल्ला तहा जरा हम गौर करें हम लोगों के बारे में हमारे घर वालों की गवाहियाँ कैसी हैं अगर हमारे घर वाले यानी बेगमात की बात हो रही है अगर दो चार कहीं जमा हो जाएं, तो घर वालों के बारे में कैसी गवाही आती मेरे ख्याल हम सबको पता तो है तो चेक कर ले दुनिया को बाद में देखिएगा हम पहले अपने आप को अपने घर में चेक कर ले गवाहियाँ सलाम के घर से आ रही हैं ये हुसन माशरत है ना हुजूर का ये घर में भी किरदार मौजूद है तभी तो घर से गवाही आ रही है। इसी तरह एक अहम मामला हमारे यहां भी बेटियां अल्लाह की बेटे भी और अल्लाह की बेटियाँ भी मगर हमारे यहाँ जहालत चौदह सदियों के साथ तरक्की याफ्ता शक्लों में नजर आ रही है हमारे यहाँ जहालत चौदह सौ बरस पुरानी वाली अपनी तरक्की याफ्ता शेड के साथ इस दौर में दिखाई दे रही अब भी कुछ घरानों में या कई मरतबा बहुत से इलाकों में बेटियों की پیدائش पर मुंह बन जाता है बुनियादी बात है कि हमने निकाह के मसले को मुश्किल बना डाला और गांव देहातों या बड़ेरों के यहां तसव्वुर है कि जनाब हमने झुकना नहीं है किसी के सामने बेटी किसी को देंगे तो दामाद बनाना किसी को तो ये तो गर्दन झुक जाएगी हमारी ये फजूल की बातें नहीं ये तसव्वुरات हैं बेटियों की پیدائش पर मुंह जाहिल मुशरिकों के हां भी बनते थे आज भी बनते हैं उसी जाहिल लोगों के माशरे के दौरान में इमामुल अंबिया को अल्लाह ताला ने भेजा ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए मेहनत के लिए वहाँ क्या हुआ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक बेटी की विलादत हुई खादिमा नक़ल करती है हुजूर काबे शरीफ़ के पास थे मैंने जाकर हुजूर को बशारत दी खुशखबरी सुनाई कि बीबी खदीजा को अल्लाह ने बेटी अता फ़रमाई वो अल्लाह की बंदी कहती कि हुजूर का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा और आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आप वहां से दौड़े दौड़े घर की तरफ गए और आपने बेटी को लेकर सीने से लगाया और उसको चूमा और चूमते रहे और सीने से लगाए रखा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया ये इमामबिया की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये भी फरमाया कि अगर तरजीह देने की इजाज़त होती प्रेफरेंस की इजाज़त होती तरजीह देने की इजाज़त होती औलाद में तो मैं बेटियों को बेटों पर तरजीह देता लेकिन बहरल दोनों अल्लाह की नियमतें मगर हमारा माहौल देखें और सुरह नहल आए तबर अट्ठावन उनसठ पड़े तो वहां मुशरकों का जिक्र आता है जब उनके यहाँ बेटी की विलादत की खुशखबरी मिलती है चेहरे सिया पड़ जाते हैं अब वो सोचते हैं कि इसको उठाए फिरता रहे जिल्लत के साथ या जमीन में गाड़ा डाले उसको मदद असतफरल उस माहौल में ये इमामबिया सलम की कैफियत इसी तरह घर में जहां खुशी आती है वहाँ गम का मामला भी आता है के पैगम्बर आलिम इन कैफियात से भी गुजरे और अल्लाह के पैगम्बर आलिया के एक बेटे का इंतकाल होता है जनाब इब्राहिम का तो अल्लाह के पैगम्बर आल्लाम की आंखों में आंसू भी हैं और आपने क्या खूबसूरत पर मबनी जुमले आता फरमाए कि आंख आंसू बहाती है और दिल है और बेटा तेरी जुदाई पर हमें अफसोस है ये बाप की शफकत भी तो है बाप की मोहब्बत भी तो है तो आंख आंसू बहाती है दिल गमगीन है और बेटा तेरी जुदाई पर हमें अफसोस है लेकिन जुबान पर वही होगा जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए जिससे अल्लाह राजी हो जाए शिकवा नहीं शिकायत नहीं क्या तोन है बेटे की मोहब्बत का भी इजहार बाप की शफकत का भी इजहार और अल्लाह की रजा पर राजी रहने का भी इजहार ये चंद जुमलों में पूरा तोजुन भरा उसवा हमारे सामने है लकत कान लकुफी रसूल उसव तुम हसाना अगली बात तो मर्दों के लिए बड़ी मुश्किल भारी हो जाती है और वो हुसन माशरत में हजूर आलाम का घर में रहते हुए घर के कामों को भी अंजाम देने का जिक्र है पूछा गया से कि घर में कैसे रहते हैं हजूर आलाम तो आपने फरमाया काम इंसान की तरह रहते कुछ आराम भी करते हैं रात को नवाफिल भी अदा करते हैं घर वालों से गुफ्तु भी करते हैं और उनकी हाजत को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं और उनके कामों में हाथ भी बटाते हैं पानी का गिलास तो लेकर उठकर पी लिया पानी बर्तन समेट दिया बकरी अगर कभी है तो दूध निकाल लिया कोई टांका लगाना है जूते के अंदर तो लगा लिया हम लोग अगर हमें मालूम हो कि कोई मर्द घर में ये काम अंजाम दे रहा है तो हम लोग क्या कहते आए हैं उसको पता है ना हमें क्या कहते हैं हम लोग जन मुरीद कहते हैं उसे जोरों का गुलाम कहते शर्म आती है कि नहीं हम कितने बेगैरत हैं कहां जाएगी जरब घर के काम करने वाले को हम यह कह रहे हैं कि है जोरों का गुलाम है कहां जाएगी जरब अंबिया का उस वे बयान हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम हुआ कि कई एतबार से मेरे जिहालत में हम लोग मुब्तला हैं असल दीन शायद हमारे सामने नहीं आता अकल परसी का फितना शैतनत के हमले द जाली फितना मगरबी तहजीब के हमले और न जाने क्या कुछ खुद साख्ता किस्म की रिवायात ये तो बाप दादा की रिवायत है तुम्हारे और हमारे बाप दादा की रिवायत जूते की नोक पर अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीम के खिलाफ हमारे बाप दादा की रिवायत है कि मर्द जो है वो कंट्रोल में रहेगा और मर्द जो है जूते की नोक पर रखेगा बीवी को मर्द कंट्रोल में रहेगा ये तो कुरान भी कहते हैं मर्द औरतों पर कवाम निसा की आयत नंबर चौंतीस बिल्कुल ठीक है मगर ये कुरान की ताबीर तशरी अवलन कहाँ से मिलेगी मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम से वो कैसे तो शोहरत हजरत आयशा भी बता रही है दीकर रजवाज मतहरा भी बता रही ये अगर हमारे इलमे हो तो फिर तो कोई सौ मरतबा सोचेगा कि जन मुरीद कहे और जोरो का गुलाम कहे इना वही कितना मतलब जहालत अब भी हम पढ़ता रही हम पढ़ा लिखा दौर है जनाब कॉलेज बहुत हो गए यूनिवर्सिटीज बहुत हो गई तालीम बहुत हो गई डिग्रीज बहुत हो गई और सर्टिफिकेशन बहुत हो गई और पता नहीं क्या कुछ हो गया लेकिन कुछ मामला में मेरे चौदह सौ बरस पहले के जाहिलों के तर्ज अमल पर हमारी माशरत की कुछ गोशे नजर आ रहे बात कड़वी तो है ना दिल पे जाके भी लगती है अल्लाह करे के लगे ताकि गैरत को चाहे कि कहाँ अम्बिया का उसवा और कहाँ ऐसे बदतमीज़ी वाले गुस्ताखी वाले जुमले हमारी जुबानों पर आ जाए कोई हजूर के तालु से मदला नहीं कहता लेकिन सोचे कि जरब कहाँ जाएगी तो लग पता जाए बंदे को एहतियात करनी चाहिए तो हम मायशा रदी अल्लाह तरमाती हम इंसान की तरह घर में रहते और आप सला वसलम घर वालों के काम काज में उनका हाथ भी बटाया करते थे सल्लाह वसलम ये मैंने आपके सामने तीसरी बात रखी थी ये तो बहुत बड़ा मौजू है घर की ज़िंदगी के बारे में खुशी गमी के बारे में मामला के बारे में औलाद के बारे में बीवियों के बारे में पड़ोस के बारे में रिश्तेदारों के बारे में दोस्तों के बारे में साथियों के बारे में बहर इशारतन बातें ताकि शौक़ पैदा हो हम अल्लाह के रसूल सलाम की सीरत का मताल करें चौथा वो है हैसन अखलाक का मसला हसन अखलाक का मामला बहुत बड़ा मौजू है बहुत तवील बातें हो सकती हैं बहुत इसमें गोशे ही गोशे हमारे सामने खुलते चले जाएंगे लेकिन याद दिहाने के लिए दो तीन बातें अल्लाह के रसूल सलाम का तस्करा है एक गजबा या किसी सफ़र का मौका था ग़बे के लिए किसी और हवाले से सफ़र का मौका था कहीं पड़ाव डाला गया तो खाने का वक्त आया किसी ने कहा कि बकरी मैं बा करूँगा किसी, किसी ने कहा खाल मैं उतारूँगा किसी ने कहा कि खाना मैं तैयार कर दूँगा तो अल्लाह के रसूल आलाम ने फरमाए कि लकड़ियाँ मैं लेकर आऊँगा जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो यकी सारे सहाबा खड़े हो गए नहीं नहीं हम, हम करेंगे, हम करेंगे। को कोई इम्तियाजी का छुरी से बकरी जिबा करे कोई उसकी खाल उतारे कोई खाना तैयार करे मैं बैठा रहा नहीं मैं जाके लकड़ियां लेकर आऊंगा महाराज इसने बहुत कुछ सीखने को है टीम वर्क किसी कहा जाता है लीडरशिप किसी कहा जाता है वो निकाल लीजिएगा इसमें से और निकालते लोग इसमें से ये तो उसके रसूल सलाम का अपने लिए कोई इम्तियाजी शान पसंद नहीं फरमाई आपने और खुद आगे बढ़कर अपने आपको आपने पेश किया कि लकड़िया मैं लेकर आऊँगा एक बड़ी प्यारी बात हमें मिलती है अल्लाह के रसूल सलाम के बारे में अक्सर सहाबा फरमाते कि अल्लाह के रसूल से बढ़कर मुस्कुराता चेहरा किसी का नहीं था अलबत्त मुस्कुराना एक शय है और कहके मारकर हंसना यह दूसरी बात है तो कहका लगाकर बुलंद आवाज से मुंह फाड़कर ऐसा मामला हुजूर का नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराहट ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर की क्या थी सामने के चंद नजर आते थे बस लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि की फिक्र भी होती वो रात की तनहाई का मामला होता वो अल्लाह के सामने रोना होता और रात का रोना कैसा होता तहज के मौके पर कि गोया हांडी उबल रही हो चूल्हे के ऊपर यह कैफियत अल्लाह के रसूल की, की थी सल्लल्लाहु वो गम का इजहार अल्लाह के सामने वो रोना अल्लाह के सामने वो फिक्र इजहार अल्लाह के सामने लेकिन उमूम के एतबार से आम मामूलात के एतबार से अक्सर सहाबा कहते हैं कि हुजूर से बढ़कर मुस्कुराता चेहरा मैंने हमने किसी का नहीं देखा फिर अक्सर साहबा ये कहते हैं और आज हमारा ये जो स्मार्टफोन और मोबाइल फोन का एक मसला पेश आ गया उसके अतबार से भी बड़ी रहनुमाई अगली बात में वो क्या है अक्सर साहबा कहते हैं कि जब मैं एक एक सहाबी अलग अलग रिवायत में जब मैं अल्लाह के रसूल से मिलता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप इस तरह पूरी तवज्जो से मुझे देखते कि लगता कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा आपको कोई महबूब नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर साहबा ये कह रहे हैं कई रिवायात कि जब मैं अल्लाह के रसूल से मुलाकात करता तो आप मुझे ऐसे देखते कि गोया इस दुनिया में मुझसे ज्यादा आपको कोई महबूब नहीं है और हुजूर का मामला क्या था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मुलाकात होती सलाम भी हजरात है तो हाथ भी मिलाने का मामला और हाथ हुजूर नहीं हटाते थे सुभान अल्लाह और पूरी तवज्जो रख कर सामने वाले से बात करते थे आज हमारा हाल क्या है बच्चे घर में आ रहे हैं स्मार्टफोन अस्सलाम वालेकुम सलाम कर दे तो बड़ी बात है भाई अब तो कुछ और है शोहर बीवी वो लगे हुए स्क्रीन के ऊपर चाहे स्मार्टफोन की या, या मोबाइल फोन की कुछ और है और बात हो रही है एम्प्लॉय बॉस के सामने यू बॉस भी कभी यूँ है या कभी एम्प्लॉय यू है उस साह शागिद के सामने इंतहाई दर्जे की बदतमीजी है ये बदतजीबी है अंग्रेजी में हम कहते हैं बड़े बुरे मैनर्स हैं अंग्रेजी में पता नहीं ज्यादा हमें समझ में आ रही होती बदतमीजी कहे ना इसको बदतजीबी कहे अगला बंदा फिजिकली सामने है। मिलने को आया पूछने को आया या जो वाट एवर इट में भी अगला फिजिकल ही सामने है और पता नहीं कितने दूर से एक बंदे की कॉल आनी है या आ रही है या आई भी है हम उसके ऊपर या तो माजरत करें मैं मैं कॉल देख लूं, माजरत कर लीजिए या दब का तकाद है वरना दरमियान मोबाइल आगे माँ बाप आगे उस्ताद आगे कोई आलिम आगे कोई बड़ा किस कदर बदतमीजी तो सहाबा अर्ज फरमाते हैं कि जब हम हुजूर से मिलते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता कि हमसे ज्यादा हुजूर को कि दुनिया में महबूब नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली बात भी हम सब के लिए बहुत 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 बहुत, बहुत ज्यादा अहम है और वो ये कि अल्लाह के रसूल अलैहि के बारे में जिक्र है कि आप सल्ला कवारीड कवारीदा करने वाली लड़की से भी ज्यादा हया करने वाले थे अल्लाह के रसूल एक कवारी पर आ, करने वाली लड़की से भी ज्यादा हया करने वाले थे हया का एक पहलू वो है जिसकी जिद बेहयाई है और शैतानी काम है और हया का एक पहलू है जिसमें झिझक रहे बंदे को कि वो गुना ना करे झिझक होनी चाहिए बहरहाल तो अल्लाह के पैगम्बर आसम एक कवारी पर्दा करने वाली लड़की से भी ज्यादा हया करने वाले थे आज क्या है जी वो शेर भी पुराना हो गया गैरत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से अल्लाह मेरी आपकी हम सबकी हिफादत फरमाए कहते हैं जी पहले बच्चे स्कूल से पास आउट होते थे तो एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता था ऐसे ही है ना इसी तरह कोई इंप्लॉई किसी इदारे से जा रहा था तो सर्टिफिकेट लेके जा रहा होता है कहा कि आज किसी के करेक्टर को देखना स्मार्टफोन देख लें उसका अगर वो दिखा सके तो आज किसी का करेक्टर देखना हो सोच क्या है फिकर किया है वो एआई वाले तो निकालने सारा वो एआई इस्तेमाल करके सब लोग निकाल रहे हैं तो करेक्टर ही तो आ रहे सोचते क्या हम देखते क्या है प्रेफरेंस क्या है तरजीहात क्या है जी भाई बात समझ आ रही तो आज किसी के स्मार्टफोन अगर वो प्रेजेंट कर दे हिस्ट्री डिलीट किए बगैर समझ आ रही अल्लाह मेरी आपकी हम सबकी हिफाजत फरमाए बड़ा फितना है भाई और गैरत जा रही है हया जा रही है और ईमान जा रहा है सबसे बड़ा मसला ये अल्लाह के रसूल सलाम फरमाए कि हया और ईमान दोनों कंपेनियंस हैं दोनों साथी है। एक चला जाए तो दूसरा भी चला जाएगा हया गई ईमान चला जाएगा और अब ईमान जा रहे हैं कुफर तक बात जा रही गुस्ताखियों तक बात जा रही शिर कुफर इससे बढ़कर गुस्ताखियां अल्लाह के बारे में पैगम्बरों के बारे में माज़ल्ला मदल्ला और हम उम्मती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम के जिनके बारे में नक़ल हो रहा है सीरत की किताबों में और अहादीस में कि अल्लाह के रसूल सल्लासम एक कवाड़ी पर करने वाली लड़की से भी ज़्यादा हया करने वाले थे एक और अहम बात हम सब के लिए बहुत बड़ा और फिक्र का मकाम है फरमाते हजरत अनस रदी अल्लाह तरमाते मैं दस बरस तक रसूल सलाम की खिदमत में रहा खादि खास की हैसियत में हजरत अनस रदी अल्लाह तन फरमाते मैं दस बरस रसूल सलाह वम की खिदमत में रहा खादि खास की हैसियत में और दस साल हजारों दिन ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कभी ये नहीं यू नहीं कहा कि तुमने ये क्यों किया है? और ये नहीं कहा कि तुमने ये क्यों नहीं किया है? बाकी भी तफसीर अनस के बारे में उनके खानदान के लोगों के बारे में ये अल्लाह के रसूल की अखलाक की गवाही खाद में खास की तरफ से आ रही है चले हम कुछ तो यहां से लें जो हमारे खास हैं अपने घर वाले हमारे करीबी उनके साथ हमारे रवैये कैसे हैं यहाँ तो बात आ रही है कि दस साल दस साल तक ये ना फरमाए कि तुमने ये क्यों किया और तुमने ये क्यों नहीं किया ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसका मुताना कर सकते हैं अल्लाह ताला हमें अमल की तोफी अता फरमाए इस वक्त की गुफ्तु का आखिरी हिस्सा रखता हूँ इन श्रा आइंदा जुमा लाहौर में होगा तो फिर इसको वहां मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे मुमकिन है तो फिर ये आपको रिकॉर्डिंग बाद में दस्याब हो जाएगी अगला है हैसन मामला मामला का मतलब लेन देन करना आपस के साथ डीलिंग करना और आज हमारा इम्तिहान नमाज में उम्रे में हज में क़ुरबानी के अमल में नवाफिल में और सदक़ा खैरात में कम है भाई हमारा इम्तिहान मामला में ज़्यादा है कारोबार में लेन देन में अमानत में वादा पूरा करने में कर्ज़ अदा करने में उसूल के मुताबिक बात करने में माहिदा पूरा करने में अग्रीमेंट पूरा करने में उधर इम्तहान ज़्यादा है इधर के मुकाबले में दो बातें हिजरत की रात जान के दुश्मन बाहर बैठे बड़े बड़े सरदार मुशिक मक्का के बाहर बैठे नबी अली सलाम को अल्लाह शहीद करने के नापाक इरादे से और हुजूर गए हैं अल्लाह का नाम लेकर सुर यासिन की काय तिलावत करते हुए और अल्लाह ने हुजूर की हिफाजत फरमाई लेकिन हजूर जाते जाते सैदना अली रजियाल्ला को फरमाे मेरे बिस्तर पर सोना है तुमने मेरी चादर को ओढ़कर सोना है और उस रात जो सैयद ने अली को नींद आई कहते ऐसी कभी नहीं आई और क्या करने अली सुबह इनकी अमानत इनको दे देना किन की अमानत है ये मुशरिक बाहर जो बैठे काफिर ये जो घात लगाए बैठे ये जो दुश्मनी पर होता रहा ये जान के दुश्मन बने ये शहीद करने का नापाक इरादा लेकर बैठे हुए सुबह इनकी अमानतें इनके हवाले कर देना थे काफिर मुशरिक एतमाद क्या था नहीं? ये है अमीन और हंगामी हालत है हंगामी हालात में तो मामला बदल जाते हैं ना नो वे एट ऑल अमानत है ए अली इनके हवाले कर देना सुबह इतनी हंगामी कैफियत में जान के दुश्मन बाहर उनकी अमानत है के पास और आप फरमाते हैं अली इनकी अमानत इनके हवाले कर देना हम आम हालात में अपनी अमानतों के पास जारी कर रहे हैं अब ये मौजू अपनी जगह बहुत बड़ा कि अमानत का वसी तर क्या है फिर किसी और मौके पर आम हालात में अमानत की पासदारी और अल्लाह के रसूल फरमाते ला ईमान उसका कोई ईमान नहीं जो अमानत की पासदारी ना करे और आखिरी वाकया सुलह उदैबिया का मौका मशहूर वाकया है कुछ सुलह हुई है हुआ है हुआ हैदैबिया के जो पैक्ट हुआ है और उसमें कुछ चीजें तय हो गई मक्के वालों की तरफ से कोई मदीना वालों की तरफ जाएगा तो वो मुसलमान वापस कर देंगे बहरहाल और भी शराइ थी तफसील का मौका नहीं ये सुलह हो रही है अभी शराब तय हो रही है अभी तो तय हो रही ना एग्जीक्यूशन तो बाद में होगी अमल दरामद तो बाद में होगा बिल्कुल इसी दौरान में अबू जंदल रजी अल्लाह ये मुश्किन की कैद में थे और किसी तरह जख्मी हालत में आ गए यार रसुल्ला मुझे अपने साथ ले जाइए आप सोचिए कि 1400 सौ सहावा हजूर के साथ मौजूद हैं और अपने भाई को देखें इस कैफियत में तो क्या दिल पर बीती होगी यार रसुल्ला मुझे ले जाइए फरमाता भूजल में वादा दे चुका हूं मैं मुहिदा कर चुका हूं हम जैसा कोई होता ना क्या कहता हाँ जी चलो मेरे साथ उनसे कहते भाई अभी तो साइन ऑफ हुआ ना अभी हम अपने घरों को वापस जाएंगे तुम अपने घरों को वापस जाओ एग्जीक्यूशन तो बाद में होगी हम शायद ये वे आउट और हम बड़े होशियार लोग हैं भाई क्या क्या नुकते निकाल लेते हैं वो तो मुकदमे लड़ने वालों से जाके को पूछे लेकिन नहीं आई इमामबिया माई वर्ड्स मैं वादा कर चुका हूं तुम जाओ अल्लाह तुम्हारे लिए सबील पैदा करो अल्लाह ने सबील पैदा की उनके लिए और जी के सहाबा के लिए वो वाक तफसी लेकिन इस कैफियत में भी अपने वादे की तकमील हजूर ने की है और हम लोग क्या कहते हैं वो वादा ही क्या जो हाँ वफा हो जाए ये हम हैं उम्मीद वादे को हम चिड़कियों में उड़ा देते हैं और यह इमामबिया है इस कैफियत में भी वादे को निभा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वा, वा आखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन